अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आ चुका हूँ अपनी न्यू रेसिपी के साथ, जो कि है मेरी चिकन चीज स्टिक्स। तो चिकन चीज स्टिक्स बनाने के लिए मुझे जिन जिन इंग्रीडियंट्स की जरूरत पड़ी थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। चिकन ब्रेड स्टिक्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं ब्रेड, तकरीबन आधा पाव के जितनी मैंने लिए चिकन, जिसको मैंने क्रश करके रख लिया है पहले से। तकरीबन दो मैंने शिमला मिर्ची ली थी नॉर्मल साइज़ की, उसको मैंने इस तरह से कट करके रख दिए छोटे छोटे पीसेस। और उसके बाद मैंने एक कप लिए है दूध और आधा चम्मच मैंने लिए नमक। नमक आप अपने हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे उतना आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है एक चम्मच मैदा, आधा चम्मच मैंने लिए चाट मसाला, आधा चम्मच मैंने लिए ब्लैक पेपर, और एक मैंने ली है मीडियम साइज़ की प्याज, और एक मैंने लिया है गाजर। इसके बाद मैंने ली है एक चम्मच लहसुन, दो अदद अंडे, और मैंने लिए ब्रेड क्रम्स। अंडे और ब्रेड क्रम में इसकी कोटिंग में यूज़ करूँगा। तो ये थे मेरी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपको इसको बनाने का प्रोसेस बताता हूँ, आइए मेरे से। तो चिकन चीज़ स्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन ले ली है, उसके अंदर मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून के जितना ऑयल ऐड करूँगा। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन 2 मिनट रखा ताकि मेरा ऑयल गर्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड करूँगा अपनी लहसुन। चिकन को मैं 2 मिनट तक पकाऊँगा ताकि उसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी सोटे हो जाए। लहसुन को 2 मिनट तक सोटे करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ प्याज। इसको भी तकरीबन मैं 2 मिनट तक भूनूंगा ताकि इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी सोटे हो जाए। तो प्याज को तकरीबन 2 मिनट तक सोटे करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा अपनी गाजर। गाजर को भी तकरीबन मैं 2-3 मिनट तक ही पकाऊंगा ताकि मेरी गाजर थोड़ी नरम हो जाए। तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगा। तो गाजर को तकरीबन 2-3 मिनट भुनने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा अपने स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ नमक, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ चाट मसाला, उसके बाद ऐड कर रहा हूँ ब्लैक पेपर। बस ये 3 ही स्पाइसेस के अंदर जाएंगे, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो मेरी ये फीलिंग रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी सॉस तैयार करूंगा। तब उसी फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा और फिर उसके बाद मैं अपना मैदा ऐड करूंगा। मैदे को मैं इसके साथ अच्छे से पका लूंगा, इसके चम्मच में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसको हिलाता रहूँगा ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए। तो मैदा मैंने तकरीबन आधे से 1 मिनट तक मैंने इसको ऑयल में पकाया है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा दूध। दूध पे मैं तकरीबन आधा कप डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो मेरे पास जो दूध था उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसको मैंने वाइट सॉस मैंने तैयार कर लिए। अब मैं इसके अंदर अपनी जो गाजर की जो फिलिंग थी वो मैं इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा।
तो फीलिंग ऐड करने के बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसके अंदर अपनी चिकन ऐड कर दूंगा जो कि मैंने क्रश करके रखी थी। चिकन ऐड करने के बाद मैं उसको फिर से मिक्स कर रहा हूँ, तकरीबन एक मिनट तक मैं इसको मिक्स करूँगा। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर अपनी शिमला मिर्ची ऐड कर दूँगा। तो चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ऐड कर रहा हूँ शिमला मिर्ची। शिमला मिर्च ऐड करके मैं इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगा। इसके बाद ये हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। तो ये मेरा मज़ेदार सा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं अपना फ्लेम ऑफ कर रहा हूँ और इसको मैं अपने प्लेट में उतार दूँगा। तो बैटर तैयार करने के बाद अब मैंने स्लाइसेस ले लिए, इसके मैं कोने इस तरह से कट कर लूँगा और फिर इसके अंदर मैं अपनी फिलिंग भर दूँगा। तो मैं इस तरह से इसके अंदर फिलिंग भर रहा हूँ। फिलिंग भरने के बाद मैं इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको इस तरह से बंद कर दूँगा। इसके बाद मैं इसकी एक ब्रेडस्टिक 3 स्टिक्स बना लूँगा तरह से। स्टिक मैंने बना ली थी। अब मैं उसके कोटिंग के लिए 2 अदर अंडे लिए तो उसको मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगा। इस तरह से कोट करेंगे। सबसे पहले इसको हम अंडे में डीप करके उसके बाद हम उसको ब्रेड क्रम में डालेंगे। ब्रेड क्रम में डाल के अब इसको अच्छे से इसको कोट करना ताकि इसकी फिलिंग जो है वो बाहर ना आए। इसको दबा दबा के कोट करना है आपको। तो हमने ऑयल गरम कर दिया है। अब मैं इसको इस तरीके से फ्राई करूँगा। तो अब हम इसको इसका साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। हर 2-2 मिनट के बाद आप इसको चेक करते रहना और इसकी साइड चेंज करते रहना ताकि ये जले ना और सही तरीके से ब्राउन हो जाए। तो ये मेरे चिकन चीज़ स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसको डिश आउट के वक्त आप लोगों से मिलता हूँ। तो गैस ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। इसको आप शाम के स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और इसको आप तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने तक इसको आप फ्रोज़न भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। ये देखिए फाइनल लुक इसका कुछ ये है। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। आप इसको घर में लाजमी ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरी ये डिश कैसी लगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मैं न्यू वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ और आपको अच्छे अच्छे खाने मिलते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।